तो पद्मा घुंची घुंची जाऊँ पद्मा इतिपाई घुंची कुआ जाऊँ जे चिटफंड जमा करी अनंकर आस्था घुंची घुंची जाऊँ चिटफंड एभली एक प्रसंग जहाँकि विगत पांच वर्ष धरी राज्य रे सबुबले रही आसी सबु समय रे रही आसी एक राजनीतिक मुद्दा मध्य पलटी एवं जितेबाला तो निर्वाचन पाखे आसुची ए चिटफंड प्रसंग को लेकिन राजनीति मध्य गरम हबार लगी आरोप प्रत्यारोप चली केन्द्र राज्य को दोष दौर राज्य केन्द्र को दोष दौर राजनीतिक दल मैंने परस्पर उपर दोषारोप कर किंतु जमाकारी माने जो भली भाव आशा बांधि से चिटफंड टंका फेरी पाइबे तदंत हम दोषी माने धरा पड़े राज्य सरकार निर्वाचन पूर्व 2014 निर्वाचन पूर्व चिटफंड जमाकारी को बड़ा आशा देखते एक कर्पस फंड गठन कले 300 कोटी टंकार एवं कहले जो माने क्षुद्र जमाकारी जो माने कि छोट छोट जो माने गरीब लोक अच्छा छोट छोट आय पूंजी से माने जमा करते से कम से कम ए कर्पस फंड माध्यम टंका फेर दिज्व कमिशन गठन करागला कमिशन को पाखरे सत्यपाठ समस्ते दाखल कले 15 लक्ष रु अधिक सत्यपाठ दाखल करागला किंतु आज पर्यंत जो देखा 5 वर्ष या भितर बीतीगला किंतु 5 वर्ष भितर कमिशन जनकर मृत्यु होला आउ जने कमिशन दायित्व नेले 3 थर तांकर कार्यकाल मध्य एक्सटेंशन करागला किंतु आज पर्यंत चिटफंड जमाकारी मानकर आशा पूरण हो पारा ना कौट रही जा समस्या वास्तव में चिटफंड जमाकारी माने केबे टंका फेरी पाइबे ना आदो टंका फेरी पाइबे ना से मानकर आशा संपूर्ण मौली जीव ए प्रसंग में आज रही आमर वितर्क वितर्क आम सहित पैनल जो माने अछन्ते तांकु मु परिचय कर देबे आम सहित अछन्ते मैडम सुलोचना दास अछन्ते विजु जनता दल रो मुखपात्र एवं आम सहित अछन्ते क्षतिग्रस्त जमाकारी कैलाश चंद्र जेना आपनकु स्वागत करुछि प्रथम सहित जेना आपनकु थारु जानियाकु चाहिबि जे एबे आपन मध्य रखिथिले टंका केते टंका रखिथिले एवं एबे आपनकर आशा अछि कि नहीं आपन टंका फेरि पाइबे बोली नहीं मु जत 2009 रे सरकार चाकरी रो रिटायर नेली जो कि पेंशन पैसा मुझे सेटा मु बैंक रे डिपोज करती स्टेट बैंक रे तापर ये चिटफंड संस्थार जड़े भद्रलोक जाए मो घर पहुँचे जहाँ को आगे चिन्ह थी से मत ये कहले रखिले अधिक सुध मिल आप कहीं स्टेट बैंक रखिंट कि सुध मिले रखुदूँ रेगुला पैसा मिले कि असुविधा नहीं संस्था भल मत संस्था को लेकिन डाक नहीं गल जो संस्था मुझे पैसा रखी से सिस्टमेटिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यार ऑफिस थला आपण सत्यनगर शहीद नगर मुझे ऑफिस जा बुझला फर्स्ट फेज रे 1 लाख टंका स्टेट बैंक ड्र कर ये संस्था रखिली रखला मत परवर्त समय मसरे जिते इंटरेस्ट दबाता कही संस्था से इंटरेस्ट मत आकाउंट को पठेले आज्ञा तापर मोर भरोसा आसा ना पैसाटा मत मिल तो तापरे सेकेंड 2 मास परे मु पुनी आउ 1 लाख टंका से स्टेट बैंक रु ड्र कर पुनी आउ ओके आपण केते टंका टोटल रखिले समुदाय 3 लाख टंका मु रखिछि कथा होची आपण 2009 रु रखिलेनी 2009 रु 2019 10 वर्ष 2009 रु रिटायर कली 10 रे रिपोर्ट कली ओके पाखा बाकी 10 वर्ष पाखा बाकी हबागु जाउची आज्ञा 10 वर्ष भितर आपण कमिशन को पाखरे सत्यपाठ दाखल कर प्रथम कटक जाए कमिशन पर सत्यपाठ दाखल करी से तो सत्यपाठ तो बहुत दाखल हो जाए तो सब जानते हैं तो से सत्यपाठ दाखल पर से केस गुड़ाक सीबीआई दे कटक बुझिली लोभर सीबीआई अफिस मतलब बहुत दौड़ी सीबीआई सीबीआई अफिस जो प्रधान तदंत से लोक को धरिया से लोक को धरिया मुझे सुराग देखी कौट कौन अच्छी सही संस्था कौन सीबीआई तदंत परिसरभुक्त को जाई से संस्था से सेत जाई से तो को ओके ताबे किछि था आगे तो एबे आपन कोन लागछु टंका फेरी पाइबे एबे तो आशा रहूछि कारण गवर्नमेंट जो कॉर्पस फंड करिक बस्तान 10,000 जमा भितर लोक को आपन तो 3 लाख टंका रखछन आपन 10,000 भितर कथा काई चिंता करछन तथापि यदि किछि कोड़े सुराग मिलिला जदि गवर्नमेंट चाहिए किसी इंटरेस्ट कर 10,000 बर्तमान रखिंटे जब बढ़े 1 लाख 2 लाख बढ़े पारती 3 लाख बढ़े पारती ये जमाकारी को पैसा 10,000 भितर जी टंका पाइबा कथा आज पर्यंत कमिशन का तथ्य कहूँ मात्र 1714 जन जमा पाई 15 लाख आफिडेविट करते आज पर्यंत कमिशन चिन्हट कर सारे 6.5 लाख
ता भितर 361,000 योग्य जमाकारी बोली चिन्हट करूछंती क्षुद्र जमाकारी ता भितर मात्र 1700 पाइछंती इमानंकर सरीबो ए 15 लाख सरीबो आपनकर पाळी आसीबो 3 लाख आपन पाइबे केते वर्ष लागिव आपनकु लागुछे सेटा जीवन थिबा भितर जदि मिलला मिलला नले ता परे जा हबो मु आशा करू जे किंतु मोर किछिटा आशा खिन माने रहूची जे मु जे इन द लॉन्ग रन देरी हेला मध्ये भी मु पाई पारे आशावादी एबे भी अछंती आज्ञा मैडम सुलोचना दास आपन पाखु मु आसीबी जमाकारी माने एबे भी आशा छाड़ी नहंती किंतु तांका आशा कु नै कि सरकार कोन करछन आज पर्यंत देखंतु ई गोट अत्यंत गोटे संवेदनशील प्रसंग जो थे सार कहिले जे तांकर रिटायर्ड हबार सब पूंजी से एथिरे लगे दिछंती निश्चित भावरे स्वाभाविक ढंग रे तांकर आशा रहिबो कि आमे पैसा पाइबु किंतु एटे गोटे कथा होउची जे समस्तंकु पैसा फेरे आपण देखंतु गोटे ए लोक माने जो सबुठारु बड़ कथा होउची क्षुद्र जो माने 10,000 टंका तळकु सेथि पई जो माने माने चिट फंड रे लगै छथि 10,000 तळकु सेई लोक मानकु प्रथमे चिन्हट करिकि आगे सेई लोकंक टंका दबा पई सरकार गोटे 300 कोटी टंका रे गोटे कॉर्पस फंड करचथि तापरे चिट फंड कमिशन गोटे बसा गला आपण कमिशन आज जो रिपोर्ट माने गत काली जो रिपोर्ट दे सिक्स इंटरम रिपोर्ट जोटा दे से रिपोर्ट आसवा पर्यंत सी एपर्यंत चिन्हट कर सबुठ बड़ कथा हूँ जे कौ लोक को दिजो पैसा से लोक को चिन्हट करवा लोक को चिन्हट कर सारापर ताकू पैसा फेरवा हूँ सबुठ बड़ कथा चिन्हट चिन्हट होती 361,817 जन को चिन्हट कर पैसा ऑलरेडी आरंभ है 1714 जन को ऑलरेडी पैसा 15 लाख आफिडेविट 3 लाख कथा आपण कहउछंती 5 वर्ष भितरे आज पर्यंत मात्र 1714 जन पाइछंती केबे पाइबे समस्ते निश्चय पाइबे निश्चय माने केबे भरोसा आपण 2014 रो कॉर्पस फंड कथा आपण कहिथिले बजेट रे व्यवस्था करथिले 2014 रे कॉर्पस फंड हेतिला किंतु कमिशन रिपोर्ट केबे आसिला जो गुडी को सीबीआई नैछि केस से आमे किछि करि परिबो कमिशन कमिशन तांकर प्रथम पर्याय रिपोर्ट केबे ठु देलेनी आपण कोंतु नै प्रथम पर्याय रिपोर्ट कथा नै टोटल जो चिन्हट करिके रिपोर्ट दबा कथा चिन्हट रिपोर्ट केबे आसिलानी प्रथम पर्याय केबे आसिलानी या आपण निजे कहले सिक्स्थ पर्याय रे आसिला गत काली हां सिक्स्थ पर्यंत आसीछि मात्र 361,817 जन आगे 3 लाख टा आपण मात्र कहउछ 1700 जन को मात्र दिया है छि तर दबार पुणे अच्छी सिस्टम खाली कोन से देई देले संग संग तो देई होबने ताकू केते दिन लागबो आपण कोन तो केते दिन से देखो 5 वर्ष भीतर 1700 पाइले 3 लाख 5 वर्ष भीतर आरंभ है छि प्रोसेस आपण 3 लाख पाइबा को केते केते वर्ष लागबो आपण कोन आज्ञा मझी पीरियड रे कमिशन रिपोर्ट देना था एबे एबे रिपोर्ट दउचंती तेनु रिपोर्ट अनुजाई पैसा दबा आरंभ होईची एवं जो माने क्षुद्र जमाकारी तांकर प्रथम पर्याय रिपोर्ट दिसै लेनी कमिशन ठीक अछि पैसा लागिबो समय लागिबो कारण एमेति नाही जे जाई के आपण पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे परिबे सब जिंस वेरिफिकेशन हेइ सालला पोरे जाई के पैसा दिया होची एंड द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड आउ आमुकु अपेक्षा करियो को पड़िबो आउ द्वितीय कथा होची जो गुडी को कोर्ट रे अछि ईडी जो जार माने जिंस पत्र सब जबत कर किसी क्राइम ब्रांच जबत करगुड़ाकर गोटे कंपनी गोल्डन लैंड जेहेतु बैंक रे पैसा था समस्त जिते लोक थे से फेराज सरी कमिशन थ्रू रे होता डायरेक्ट कोर्ट अर्डर तेणु गोटे कंपनी अलरेडी लोक मध्य दिखाई गोल्डन लैंड जो थे कि समस्ते पाई पैसा जेतु तांकर बैंक रे पैसा थिला लैंडेड प्रॉपर्टी एवं गाड़ी घोड़ा आपण कहउछी आजि पर्यंत आपण 2014 निर्वाचन पूर्वरु लोकंकु प्रतिश्रुति देथिला आपणक दल जे आमे कॉर्पस फंड करिबु समस्तंकु टंका परैबु कॉर्पस फंड गोटे गोटे निर्वाचन जाय के आ गोटे निर्वाचन कॉर्पस फंड अछि जेंति पैसा सेंति थु आइछि 300 टंका 300 कोटि टंका हात मरा हैनि किंतु आज पुणी आ गोटे निर्वाचन आसिलानि एबे आपण कोन करबे आपण कहउछन आहुरी समय लागिबो केते समय लोक आपण को देबे अपेक्षा करबे सार जहां आशा करथुले सार कहउछन मो बोधे मो जीवन दशा मु पाई परबेनि मो परपीढ़ी से टंका उपभोग करबे कोन तार लाभ हब गोटे गोटे कथा कहंतु आपण एमिति व्यस्त होई पले निर्वाचन को आखी आगर रखे करा जाय नै नै निर्वाचन माने आत्महत्या करछनते चिट फंड को नै कि आगे सेथरे लोक जदि न बुझी परिबे एई भली कंपनी माने करे देबे असुविधा पड़बे सरकार तांकू सहाय्य करबा पई लोक मानकर आपण देखंतु कॉर्पस फंड टा का पैसा साधारण लोकक पैसा जो माने इन्वेस्ट करनाते तांको पैसा सरकार रो निजस्व पैसा किछ नथाय तथापि तादर गोटे कॉर्पस फंड करा गला ए ठक कंपनी मानकू
जो माने नै लुटी चंती जो मा तांको पर कार्यानुष्ठान होउची जे जो माने सफर रहै चंती तांको सहाय करिया पई सरकार टैक्स पेयर को मनी को नेगी गोटे कॉर्पस फंड कोले एवं ताकु दबा आरंभ करचंती डिसबर्स करबा आरंभ करचंती तेनु हमको अपेक्षा करियौ पड़िबा जे आइ सत्ता जो माने पाई लोक तुचारे सरकार को निंदा करचंती जहां मैडम कहले सरकार तो प्रक्रिया आरंभ करचंती समय लागे अपेक्षा करय पडियो धैर्य धरिबा को पडिबो आपण माने धैर्य धरु नाहंती सरकार को समालोचना करचंती सरकार टंका काई दो नाहंती 1700 जण आगे पैसा लेनी देखंतु ये सरकार प्रतिश्रुतिर सरकार ये सरकार प्रतारणार सरकार ए सरकार चिटकन कंपनी गुडी को निजे सरकार सहाय्य करी निजे 20 लाख जमाकारी को मध्य चीट करुछंती ये जो भली भावरे निर्वाचन 2014 साधारण निर्वाचन बेले ये कथा सामना को आसिला एवं त्वरित बेगरे सरकार जो भली भावरे चिराचरित ढंग रे आजि पर्यंत जो कथा करी आछंती नवीन बाबू बिजू जनता दल रो सरकार कोनोसी घटना घसिले त्वरित एक्शन नियंती कमिशन बसै दियंती से कमिशन रिपोर्ट कोन जाय कोन आसे ता कथा किछि बुझिबार नै तो सही भली भावरे जो भली भावरे गत दुई दिन तले कमिशन कहिले जे आहुरी 2-3 वर्ष लागिवो गत 4 तारिख दिन कमिशन कर कार्यकाल सरीतिला सरकार 6 मास बढ़ेतिले 6 मास बढ़ेला परे ये दीर्घ वर्ष भितरे केवल कागज चास छोडा कोन हेछि 12000 पृष्ठार जुलाई मासर रिपोर्ट एबे से देइछंती माने जोटा कहउछंती बिजु जनता दलर प्रवक्ता से सत्य कहउछंती 6टी रिपोर्ट आसीछि इंटरिम रिपोर्ट 1700 जण को पैसा फेरैछंती जदि 15 लाख रु ओके चिन्हट हेइ नै अधा अधा चिन्हट हे माने अनुध्यान कले 15 लाख रु 6.5 लाख को वर्तमान जांच कर अनुध्यान करा जाइछ ओके समीर बाबू मोटि के आपन रखिया को पई चाहिबे समीर बाबू ये कागज छ ओके 400 छोडा आ किछ होउछ समीर बाबू मो क्षमा चाहिबे आपन के रखिया चाहिबे ओके 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 समीर बाबू आपन के रखिया पई चाहिबे क्षमा चाहिबे हम के दिबा पडियो पार्लियामेंट कारण पार्लियामेंट ए पार्लियामेंट सरी जाउची निर्वाचन हबो एवं पार्लियामेंट जो अधिवेशन चलथिला बजेट अधिवेशन आज होची शेष दिन एवं शेष दिन रे गृह को संबोधन करूछंती प्रधानमंत्री असंतु सुनिबा सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए और इस सदन में जो आज सांसद हैं 16वीं लोकसभा के संबंध में अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे वो इस सदन ने बनाए थे और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए जो कानूनी हक चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन न सिर्फ इस पल आने वाली पीढ़ियां भी देंगी ऐसा मेरा विश्वास है यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर
और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार बिल को एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है, दुनिया को ये देखा, इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर करके विश्व में बहुत बड़ा काम किया है। देश आजाद हुआ, लेकिन पता नहीं वो कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे। बहुत कठोरतापूर्वक शत्रु संपत्ति बिल पारित करके भारत के 1947 के उन गांवों के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा था उसको काम करने का काम किया। इस सदन ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत ही लंबे अरसे तक समाज को प्रभाव पैदा करे, उच्च वर्ण कहा जाने वाले लोगों के लिए यानी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिना कोई कटुता, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, बिना कोई उलझन, किसी के मन में आशंका न रहते हुए समाज के दबे कुचले एक वर्ग को उनकी बातों को वजन दिया गया और उनको विश्वास देते हुए कानून पारित किया। दोनों सदन के सभी दलों के सभी सांसद इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम ये 10% आरक्षण का हुआ। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाने वाला विषय हो या एससी एसटी एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको ठीक करने का काम हो, मैटरनिटी बेनिफिट बिल, विश्व के समृद्ध देश भी इस बात को सुनकर के आश्चर्य होता है कि क्या भारत में 12 हफ्ते से लेकर के मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी है। इस बात को आज विश्व भारत की एक आगे की सोच वाले देश के रूप में देख रहा है। यह काम इसी सदन ने किया है। सदन कानून बनाता है लेकिन इस बात के लिए भी एक कार्यकाल देश और दुनिया याद रखेगी कि जो कानून बनाने वाला ये वर्ग उन्होंने कानून खत्म करने का भी काम किया। 1400 से ज्यादा कानून खत्म इसी सदन के सदस्यों ने करके देश को काफी उस एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत। तो आपण सुनुतले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 1600 लोकसभा ये हूँ आज अंतिम दिन शेष अधिवेशन शेष दिन ए लोकसभा भंग हो पुणी निर्वाचन पर नुआ लोकसभा गठन होगा संबोधन करुले प्रधानमंत्री एवं ए कार्यकाल भितर लोकसभा कौन तार अचिवमेंट थी लोकसभा क्यों को बिल पास होता जहाँकि ऐतिहासिक इतिहास पृष्ठ सबुदिन मन रही संपर्क में बयान रखुले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। अब पुणी थे फेरवा चिटफंड को लेकिन आम आलोचना पद्म घुंची घुंची जाऊँ मान नाम सुलोचना दास मुझे आपको आसमी जो कथा समीर बाबू कहले केवल कागजपत्र चाष हो या भितर पांच वर्ष भितर ता छड़ा पादटा आगे किसी आगे पारे आज्ञा मान जो कहते निजे निजर अपारगता को लुचेवाई पर उपर दोष लदी देवा हूँ भारतीय जनता पार्टी गोटे अभ्यासगत रोग केन्द्र से थिले मुझे खाली गोटे कथा कह चाहिए मुझे गोटे पॉइंट कहवाक चाहिए जो कथा कहते आशा मौली मौली जाऊँ सरकार निरवच्छिन्न भाव में कम कर चलते एक तो कमिशन अनुजाई आप मात्र कहले आम 1741 लोक देचु से निश्चित भाव सत कथा आउ प्रोसेस रही दिजाव जेहेतु चिन्हट प्रक्रिया लेट होउछि से कथा आपण कमिशन को पचारि परिबे आम को पचारले आमे तादर किछु कहि परबुनो कारण से गोटे जुडिशियल पावर था कमिशन 361000 870 जनकर लिस्ट दे सरले सरकार कमिशन को पचारिबा पूर्वरु सरकार को पचरा जीव 361870 को भीतर मात्र 1700 पाइचंती केते प्रतिशत 1% भी होउ नाहंती आज्ञा सुनंतु 1% भी होउ नाहंती प्रोसेस लागिबो आपण प्रोसेस केते दिन लागिबो
ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ବରଂ ଲେଟ୍ ହଉ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସିଏ ପାଇବ ଦଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଆସିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଏଠି ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସତର ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ସେ ଫେରି ପାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ମନି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଯେତେବେଳେ ନା ତାଲିକା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଛି, ତାକୁ ବି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ କି? ଜମା ଜମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିନି। ଯୋଉ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କମିଶନ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ସମଥିଂ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରିବି। ଏଠି 226 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ରୋଜ୍ ଭାଲିର ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଅଲରେଡ଼ି ଡିସବର୍ସ ହୋଇସାରିଛି, ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଯେହେତୁ ତାର କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାକୁ ଦିଆହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଜମି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରମିସନ ଯେହେତୁ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡିର, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ତା ସେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାର ତ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ନିଲାମ ହେଲେ ବାହାରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲେ ବାହାରିବ, ତାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ହିସାବ ହୋଇକି ଧୂଳିମଳି ଲାଗିନି ଥୁଆ ହେଇଛି, 300 କୋଟିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନବ? ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଯୋଉମାନେ 10,000 କୈଳାସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କୈଳାସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ଆସୁରାନ୍ସ ଯାହା ସମୀର ବାବୁ କହିଲେ କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ର ଚାଷ, ଭରସା ପାଉନି ବିରୋଧୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଦିନ ଗଣା ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଭରସା ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ଭରସା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଥର ଗଲାଣି, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ କେସ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଲୋକ ମୋର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ପଇସା ରଖିଥିଲି ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ଧରୁଛୁ, ଧରିଲା ଆପଣ ପଇସା ପାଇଯିବେ, ସେ ଆଶାରେ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁତ ଥର ଗଲାଣି, ନିବେଦନ କଲାଣି ତା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଏସ୍ପି, ଯାହା ଆମ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ମୋର କରୁଛି। ସେଇ ଆଶାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଯିବେ, ମୁଁ ଲୋକ ଧରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୋରି କଲା ଦାରି କଲା ଯାହା କଲା ସରକାର ତାକୁ ଧରିବେ, ଆମେ ତ ଜଣେଇବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଉଛି। ଫିର୍ ବି ମୋର ଆଶା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗସଭା ଆମର ଦେଇଛି, ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏ ତ ବହୁତ ଦିନ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ସରକାର ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଆଶା ରଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପଇସାଟା ମିଳିପାରେ। ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର? ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଡିଲେ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ସମୟ ଡିଲେ ହେଲାଣି, ସେ ତଦନ୍ତରେ ତଦନ୍ତରେ ଚାଲିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁ 1700 କେତେ ଲୋକ ନା କେତେ 5,000 ପଡ଼ିବାର ତ ଆଶା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଧନଟା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ଧନ ସେଇଟା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜୀବ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପାଇବି। ସମୀର ବାବୁ ଅପରାଗତା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ କହିବା କଥା ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୈଳାସ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ବେଦନାଟି ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଇଭଳି ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଏ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିସୋର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଟିଭିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ ବସିଲେ, ସେ ସିସୋର କମ୍ପାନୀର ତଳେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବିଧାୟକ ବସିଲେ, ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ
ये गणमाध्यम एडवर्टाइजमेंट टू आरंभ कर ऑफिस सब खोल एठिकी गले तो ये खोद मुख्यमंत्री एवं जन मंत्री थे पूर्वतन मंत्री थे पाणीग्राही से गोपालपुर विधायक अच्छा सी निजे सहित रही अनेक रंगारंग कार्यक्रम जो लोक बस मजलिस कले मो कह मो कह कथा लोकंर विश्वास जन्मिला ता सत्वे जितेबले ये कथा आसला सामना को महामान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव रे तदंत आरंभ है ये सीबीआई तदंत हो सीबीआई तो 4 वर्ष होला तदंत देखु केते जों छी मो कहू छी अपन को आसु छी केतेटा केस सीबीआई तदंत रे को माने जाउ छंती नोटिस पाउ छंती केस सब जाउ छंती सरकार 300 कोटी टंका रो जो कॉर्पस फंड कले सीबीआई केवल तदंत करतुबो नोटिस दोतुबो लुचगाळी खेलला बढ़िया देखु लोके चाहू छंती फाइनल चार्ज शीट दाखल हबो लोके चाहू छंती आमे मध्य चाहू छु दोषी दंड पाउ 20 लाख जमा करी कैलाश बाबू को भली जो लोक तांको स्वप्न चुरमार हेची से जहाँ जो मैंने चुरमार कर दंड पातु अर्थ फेरु आम समस्त आशावादी थिलु 300 कोटी फेरस्त करेंगे आम जो बड़े समस्त जिलापाल आरटीआई रे मागिलु ए फंड जिलार काकू शेषु को निराश हो आम जो कमिशन को मागिलु इनफॉर्मेशन कमिशन को आम सभापति जाई मागिले आम समस्ते गलु से वर्तमान चिठी आसुची जे सरकार पाखरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कमिशन इनफॉर्मेशन कमिशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को पठाई तो ये प्रमाणित हो गला जे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को डील करुची से विभाग सरकार वर्तमान पैसा फेरेबार दायित्व तांको पाखरे रखी तो जो माने 3 लाख लोक चिन्हट हेलेनी से मानंकु काही पैसा फेरौ नांती कौन असुविधा अछि आउ जो कमिशन बसिला से कमिशन रे एभली को भली तांको सरंजाम देले नहीं जोति पे सीए वर्तमान 12,000 पुस्तक केवल कागज चासो चढ़ाओ किछि करि नांती ओटा रिपोर्ट दो मैडम जवाब रखंतु मैडम जवाब रखंतु ओके अनुध्यान एवं चिन्हट तापर जो पैसा देइछन्थि 1700 केते ये केवल कटा घारे केंद्र सरकार तो सीबीआई तो कहले गोटे टीवी चैनल को उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जाते से कौन जाइले गोटे टीवी चैनल को से निजे ही कहते गोटे टीवी चैनल को धर्मेन्द्र प्रधान धल सामंत जो फंक्शन को कहीं अटेंड करते जे कि वर्तमान केन्द्रमंत्री अच्छा आपन टी से कथा कहतु से किए कौन जाणी थे से किए कौन करुच्च तार बैकग्राउंड नहीं कि जी गोटे फंक्शन हो गए मीडिया हाउस तेणु से मैंने जाते तेणु मुख्यमंत्री को ताभर कहीं टाणुचं टे कहतु आम केन्द्रमंत्री कहतु धल सामंत को जो बायमुंडी कहते केंद्र मंत्री कहतु धल सामंत भाई जन क्रिमिनाल को बायमुंडी कहला तार उत्तर कौन रखे टाइम लगुची प्रोसेस रे मु कहली निर्वाचन बैतरणी पारी हे बा पई चौतर डिक्लेयर निर्वाचन बैतरणी आपण को बलिया नुए निर्वाचन को जदी आज्ञा करे रखाई थांदा ताले दिया सलंतानी कोट चोरी करिक भी दे दे था काई दोउ तो आज का निर्वाचन पूर्व घोषणा करथिले पर्पस फंड को हां पर्पस फंड 2014 को करा जायथिला से तो आज का डेट रे आज्ञा आपण जदी कहबा को देबे आमे कहबु हम कोन आमे 2014 पूर्व रहैथिला मु तो एक कथा स्वीकार करछि नै कथा होछि मैडम मैं सब ठीक आपण कहबे प्रोसेस चली छि समय लगे कमिशन को पचारंतु कमिशन दिन गड़ौछंती कमिशन टाइम रे देई पारना हती किंतु जमाकारी करिवे कोन जो मानको भरोसा देकी आपण माने 2014 निर्वाचन पूर्व भरोसा देथिले समानको भरोसा टूटी सारलानी नै नै भरोसा देखंतु भरोसा आमे एबे भी कहउछु भरोसा टूटीबार नै राज्य सरकार भरोसा टूटी सारले आपण निजे सुनले आपण निजे सुनले जे 10 जे 2000 टका रखितला सियाजी पर्यंत टका फेरि पाउनी जे 3 लाख रखिछि से केमती आशा रखिला 3 लाख टका त ए पर्यंत
लक्ष आफिडेविट अनुध्यान सर से टा फेरा सर बाकी लोग पाइबे रिपोर्ट अनुजाई धीरे धीरे पैसा दि जाऊँगी तेणु जो 44 कंपनी नहीं तदंत करेंगे दोषी को बांधे टंका फेरस्त कथा एटी पड़छि सीबीआई एटी टंका फेरस्त करबे नि मैडम टंका फेरस्त कथा आमे सेई कथा कहउछु जो 300 कोटी टंका कॉर्पस फंड रहिछि सेई पैसा रु पैसा दिया जइबो दैट टू 10000 टंका तळु को जो माने रहिछन्ते अप टू 10000 ताकु दिया जइबो प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड तेनु आमको टाइम टिक अपेक्षा करय पडिबा दिया मध्ये जाउछि आपन जदि एते व्यस्त हेबे आ जार पैसाटे जाइछि स्वाभाविक ढंग रे आमे व्यस्त होउ ना आज्ञा सेई जमा करी 15 लाख जमा करी व्यस्त होउछन्ते आशा छाडी साइलेली लुह गडौछन्ते लुह गडौछन्ते के लोक भी ताबित राखी बुझी सारी बणी आबित रे 5 वर्ष बीत रे बहुत बहुत धन्यवाद पैसा कोचन आमे बहुत 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 धन्यवाद ए प्रसंग रे आलोचना रे भाग नैथिमारु मैडम सुलोचना दास युत समीर महांती एवं शीत कलाश चंद्र जेना आपण माने ए प्रसंग रे भाग नैथिमारु वितर्क रे कथा होउची 5 वर्ष बीती गला किंतु मात्र 1714 जव क्षुद्र जमाकारी पाइले कॉर्पस फंड रु केबे टंका फेरी पाइबे एवं केबे सुधा अनुध्यान सरीबो 15 लाख जमाकारीकर एवं कमिशन जो तदंत चलते केते दिन पर्यंत एक्सटेंशन मिलुवा जमाकारी आशा पूरण हो पार तो जीवन दशार टंका फेरी पाइबे तो समय हो जाए क्षमा चाहिए समय हो जाए कैलाश बाबू सारे पड़ा आम कार्यक्रम को वितर्क को रखा नमस्कार।